आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरू तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये काव्य किसकी रचित है? यस, मीराबाई की। मीराबाई जो कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण के लिए वो उसने जहर का प्याला भी पी लिया था और सबसे बड़ी चाहत कृष्ण की माना जाता है कि मीराबाई है। बचपन में एक बार शादी को जाते हुए देख और उसने मीराबाई ने अपनी माँ को पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लेके जा रहा है। तब उसकी माँ ने कहा कि उसके पति उसको अपने घर पे ले जा रहे हैं। तब मीराबाई बाल सहज पूछते हैं कि मेरे पति कौन है। तब मीराबाई के माताजी ने कहा, कृष्ण की छवि, कृष्ण की मूर्ति हाथ में देखकर, ये तेरे गिरधर है, तेरे पति है, ऐसा उसने कहा था। तभी मीराबाई ने तब से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, अपना लगाव दिखाया था। राणा जी उनके पति थे, उन्होंने जब कभी कृष्ण के बारे में मना किया फिर भी वो सुनती नहीं थी। साधु संतों की संगत में रहकर वो तो प्रेम दीवानी बनकर कृष्ण की मोह माया में आकर कृष्ण दीवानी बन गई थी। तभी जो राणा जी थे उनके पति थे, उन्होंने कहा कि तू इतना ही कृष्ण को मानती है तो उनके लिए जहर का प्याला भी भिजवा दिया था। और मीराबाई जहर का प्याला भी पी जाती है और उसे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसी दीवानगी थी कृष्ण के प्रति मीराबाई की कि वो हर जग में प्रसिद्ध है कि उनकी जैसी भक्ति कृष्ण की और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण के दीवाने तो कई सारे लोग हैं, नरसिंह मेहता, मीराबाई, और उसमें भी एक बड़ा नाम है सूरदास जी का। तो सूरदास जी का आज हम पद पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम वहां पे उन्होंने रजू किया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास और साहित्य प्रकार है पद। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कवि के बारे में जानते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म सन 1478 और निधन 1573 में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। सूरदास के जन्म के बारे में कोई पर्टिकुलर हमें नहीं कह सकता है, वो कहाँ जन्मे हैं वो हमें पता नहीं है, इसीलिए मतमतांतर कई सारे है। एक ने कहा दिल्ली के पास है, एक ने कहा मथुरा के पास है। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है। वल्भाचार्य उनके गुरु थे, इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंधित पदों की रचना करते थे। यह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कैसे अनन्य भक्त? एक बार सूरदास के पद इतने प्रचलित हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए थे, सब उनके पद सुनने के लिए आते थे। तो एक बार अकबर राजा भी उसके पास आया और कहा कि सूरदास जी, आप कृष्ण के इतने अच्छे पद लिखते हो तो आप मेरे साथ चलो और मुझ पर पद लिखो। तब सूरदास ने कहा, मैं अपने राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह के बारे में ही लिखता हूँ, माने कि श्री कृष्ण के बारे में ही लिखता हूँ,
और किसी के बारे में मैं नहीं लिखता हूँ, मैं आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ। तो वो उनके साथ नहीं जाते हैं और श्री कृष्ण के पद लिखने में ही बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयनों वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया है, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण के मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टा को माध्यम से श्री कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। देखो, दोनों पद में श्री कृष्ण के बारे में कहा है। तो मेरो मन, सबसे पहले पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? जो काव्य रचना लोक काव्य के संबंधित विकसित होती है उसे पद कहा जाता है। जो काव्य रचना लोक गीत के समान प्रचलित होती है उसे हम पद कहते हैं। पद ये ही होते हैं। और सूरदास अपने जमाने की सर्वश्रेष्ठ, आज के भी सर्वश्रेष्ठ पद रचनाकार है। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छांटी महात्तम और देव को ध्यावे। परम गंगा को छांटी पियासो दूरमती कुखनावे। जही मधुर कर अंबुज रस चक्यो, क्यों करिल फल पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छे कौन दुरा दोहावे। तो आपको लगता होगा कि ये कैसी बात की है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले इनके शब्द समझने जरूरी है। तो सबसे पहले पावे, फिर अनंत, मतलब अन्यत्र, कमल नयन कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण महत्तम महत्तम महिमा परम
श्रेष्ठ। मतलब क्या होता है कि ये मैं अभी लिख रही हूं तो आपको साथ में लिखना है, इसीलिए मैं पहले लिख रही हूं कि आपको समझ में आए कि ये क्या कहना चाहते हैं। परम श्रेष्ठ छांडी छोड़कर पियासु प्यासा दूरमती खनावे खनाए खना वे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि खुदवाए मधुकर तो भौरा ये आपको साथ में लिखते जाना है। अंबुज कमल करी तो उसका क्या मतलब होगा एक कंटीला पौधा कंटीला होता। फिर चाख्यो उसका क्या मतलब होगा चख लिया हो चख लिया हो। फिर काम धेनु उसका क्या मतलब होता गाय देवलोक की गाय देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है पूरी करती है। लास्ट में है
छेरी छेरी माने बकरी। छेरी माने बकरी। तो फटाफट जिस शब्द के नीचे ये वर्ड आता है उसके नीचे ये आप फटाफट लिख लो। चलो बाद में आगे मैं स्टार्ट करने वाली हूं। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज तो पंछी फिर जहाज पर आवे। पहला वाक्य क्या है? मेरा मन अनंत कहा सुख पावे। मेरा जो मन है कहां पर अनंत सुख पावे, कहां अनंत सुख पावे। मेरा मन किसी और जगह पे, मेरा मन लगता नहीं है, ऐसा यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख पाता नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर ही जहाज पर आवे। आपने देखा होगा पंछी जो होते हैं वो हमारे घर पे घोंसला बनाते हैं, फिर वहां से उड़के कहीं घूम के आते, फिर कहां पे आते हैं, फिर अपने घोंसले पे आते हैं। हम भी पूरे दिन कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, 10-15 दिन के लिए घूमने जाते हैं, फिर वापस हम कहां पे आते हैं, हमारे घर पे आते हैं। ऐसे ही सूरदास का मन सभी जगह पे घूम के फिर वापस कहां पे आ जाता है, श्री कृष्ण के चरणों के नीचे। तो कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ गए। मानो यहाँ पे अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं कि मेरा मन जो है इस तरह से घूम कर वापिस श्री कृष्ण के चरणों में आ गया है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ गए, जिस तरह जो पंछी है वो उड़कर जहाज से उड़कर फिर वापस जहाज पर आता है, वैसे ही मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य सभी देवों के पास घूमकर वापस श्री कृष्ण के चरणों में आ गया है। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। देखो कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को छांडी छोड़कर महत्तम महिमा और देव को दियावे। ऐसे कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर और देवता को दियावे माने ध्यान करते हैं। और कई सारे लोग होते हैं जो ऐसे नैनों वाले, ऐसे कमल नैन वाले जिसके आंखों में देखते ही एक आकर्षण पैदा हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर कौन ऐसा होगा जो दूसरे देव को ध्यान धरता है। परम गंगा को चांडी पियासो दूरवती कुन खनावे। अपने पास गंगा जा रही हो और तभी प्यासे माने जो प्यासा इंसान है उसको पानी की प्यास लगी है और वो बाजू में गंगा जा रही है, तो वो गंगा का पानी नहीं पिएगा और उसी समय गड्ढा खोद कर वहां से पानी पिएगा तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं है। तो यहाँ पे सुंदर जी यह कह रहे हैं कि उसके पास गंगा समान माने सबसे पवित्र श्री कृष्ण उसके पास है, तो उसको दूसरे भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। परम गंगा
આખો ચાંદી પિયાસો દુર્મતી કુન કુપ ખનાવે પરમ મને શ્રેષ્ઠ ચાંદી મને છોડકર પિયાસો મને પ્યાસા દુર્મતી મૂર્ત કુપ ખનાવે કુવા ખુદાવે। देखो हमारे पास भी श्री कृष्ण का हाथ हमारे सिर पर है, तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पास गंगा स्वरूप माने सबसे पवित्र श्री कृष्ण मेरे पास है, तो मैं और देवताओं के पास जाने की मूर्खता नहीं कर सकता। यहाँ पे उदाहरण दिया है ना कि गंगा पास ही में जा रही है, तो जो प्यासा है वो गंगा में से पानी नहीं पीता है और क्या करता है, बाजू में ही कुआं खुदवाता है और उसमें से पानी पीता है। तो ऐसा मूर्ख, हमारे पास नदी बह रही है तो उसमें से हम पानी नहीं पिएंगे, उसके बाजू में कुआं खोदेंगे तो किसका पानी आएगा, नदी का ही पानी वहां पे आएगा, फिर भी हम वहां का पानी पिएंगे तो हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। तो सूरदास जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आपके साथ ही है, तो आपको कोई और दूसरे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिही मधुकर अंबुज रस चख्यो क्यों करें फल पावे। जिस तरह से मधुकर माने भौरा, अंबुज रस चख्यो, अंबुज माने कमल का रस चख्यो, रस चख लिया हो तो वो क्यों करें फल भावे, करें एक कंटीला पौधेरा, आपके पास आपके सामने करेले का जूस रखा हो और एक तरफ पिज्जा रखा हो, पानी पूरी रखी हो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा, करेले का रस कि पिज्जा पानी पूरी मिठाइयां, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप क्या खाना पसंद करोगे, कड़वा करेला या पानी पूरी पिज्जा और मिठाइयां, आप पानी पूरी पिज्जा और मिठाइयां ही चूज करोगे ना। तो यहां पे भी उदाहरण देकर कहा है, जैसे भौरे ने, सभी को पता है भौरा क्या करता है, फूलों में से रस चूस लेता है, तो यहाँ पे कहा है कि जिस तरह से भौरा कमल का रस चख लिया हो, जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया हो, उसको अब जो कंटीला पौधा है उसका रस अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु काम देने तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु काम देने तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु आप कामधेनु समान हो, तो आप कामधेनु जैसी गाय हो जिसके जो सब इच्छाएं पूरी करती हो, ऐसी आप कामधेनु गाय हो, तो कोई मूर्खी होगा कि आपके पास कामधेनु जैसी गाय है फिर भी वो बकरी दोहने जा रहा है। आप सबकी इच्छाएं पूरी करती हो, पूरी करते हो, तो दूसरे देव के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि चारों ओर जल से घिरे जहाज को पंछी कहीं भी जाए और अंत में वो जहाज पर ही आता है, उसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर कभी का मन अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। सूरदास के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वो गंगा जल के समान निर्मल है, वही कमल रस के समान है। सूरदास का मन रूपी भौरा उस रस को चखकर करेले की इच्छा क्यों करेगा। यहाँ पे
सूरदास जी के बारे में कहा है कि उन्होंने किस प्रकार से श्री कृष्ण के मन को पढ़ लिया है कि किस तरह से वो इतने भाव विभोर हो गए हैं कि वो कृष्णमय बन गए हैं कि जिस तरह से वो श्री कृष्ण क्या करते हैं कृष्णमय बन गए हैं कि श्री कृष्ण ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है और कोई नहीं है। और इसी तरह उन्होंने यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं कि नयन कमल जैसे नेत्र वाले गंगा की तरह पवित्र कमल की तरह मधुकर भौरा जिसने सुदर्श अपने आप को भौरा समझते हैं कि जिस कमल जैसे पुष्प का रस जिसने चख लिया है माने उनकी भक्ति का रस श्री कृष्ण की भक्ति का रस सूरदास ने चख लिया है तो अब करील पल कैसे उसको भावेगा। वैसे ही आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हो तो आप को छोड़कर मैं बकरी माने अन्य देव के पास कैसे जा सकता हूँ। यहाँ पे सूरदास की अनन्य भक्ति का हमें एहसास होता है कि किस तरह से वो श्री कृष्णमय बन गए हैं। तो साथ ही आज हम क्या करेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता, जैसे जहाज को पंछी से उड़ जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर वापस जहाज पर आता है उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के पास से भटकर वापस श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता को ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर कुएं का पानी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उससे कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। जिस बौरे ने कमल का रस चख लिया हो उसे करील पल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है जो सभी की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर कौन बकरी दुहावे। ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा मन अन्यत्र कैसे। तो आज हमने जो पद पढ़ा उस पद के क्वेश्चन आंसर जो है हम साथ ही लिख लेंगे। तो आप अपनी फाइल बुक निकाल के रखो क्योंकि आज हम साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पहले दो क्वेश्चन जो है वो एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहां फिर कहां आता है। तो इसका आंसर क्या होगा जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे माने कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर
जहाज पर आता है। जहाज का पंछी जहाज से उतर फिर जहाज पर आता है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास के मधुकर सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? क्यों करील फल भावे? तो इसका आंसर है, सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अंबुज रस चख लिया है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अमृत रस चख लिया है। स्वाध्याय के जो दूसरे दो प्रश्न हैं, वो दूसरे पद के हैं, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य
भक्ति भावना सुनने की उदाहरण द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। प्रकट की है तो सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो हम क्या लिखेंगे? यस, कर्ता कौन है? सूरदास। कृति का नाम क्या है? कृति माने चैप्टर। सूरदास के पद। और साहित्य प्रकार क्या होगा? क्या है? पद। अब क्या लिखना है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपनी कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति सूरदास जी ने अपने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। उन्होंने भिन्न भिन्न उदाहरण द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना, भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरे पद में, दूसरे पद में कृष्ण के, श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहर वर्णन किया है। तो ये है हमारी प्रस्तावना, लिख लीजिए।
उत्तर सुरदास जी। सुरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज, सूरज जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूं, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं के जल का पानी पीने का कुएं का जल पानी पीने की चाह नहीं है।
मेरा मन मधुकर मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस चख लिया है तो मैं अन्य किसी रस की तो मुझे अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता मेरे प्रभु प्रभु तो कामधेनु के समान कामधेनु के समान है उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दोहने के लिए क्यों जाऊं अब उपसहार इस प्रकार सूरदास जी ने भिन्न भिन्न उदाहरण द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है तो बच्चों ये थे तीन क्वेश्चन जो इस पद में से लिए गए थे तो आज हमने क्या पढ़ा कि सूरदास जी ने किन किन रूप उदाहरण द्वारा उनको छोड़कर और कहीं जाने को उनके जी नहीं चाहता उसके
चलता है सूरदास जी कितने कृष्णमय बन गए थे और किस तरह से वो कृष्ण के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। उससे पहले हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ, फेयर बुक में लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे वो शब्दार्थ आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखने थे, वो फेयर बुक में लिखना नहीं है। जो आपकी टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दिए गए हैं वही आपको फेयर बुक में लिखना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।